ओम शांति। 6 फरवरी 2021, आज की साकार मुरली। मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तो डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह, एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं? कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं? उत्तर, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भल कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है, उस पर निरंतर चलते रहें तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं। किसी भी बात में, किसी भी बात में डरना नहीं, डरना नहीं। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। 5,000 साल पहले भी ये हुआ था, अब हो रहा है, अनादि काल तक ये होता रहेगा, अनंत काल से चला आ रहा है। ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें जरा भी कंप्रोमाइज नहीं। गीत चला, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। ये है भक्ति मार्ग वालों का गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गाया हुआ है, बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलना है, जो भक्ति मार्ग की रसम रिवाज है। वे इसमें नहीं आ सकते, वे इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं वो औरों को सुनाने के लिए, उसका भी अर्थ जब तक तुम ना समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है, खुशी होनी चाहिए। हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं, बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता है वे सतयुग में तो जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर, बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने जब से इनमें
ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया है तो बड़े हंगामे हुए, पवित्रता पर बड़े झगड़े चले, बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो, बच्चे बड़े हुए कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बगैर काम कैसे चलेगा। भल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ भी नहीं। कितने कमाल की बात है, मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ नहीं। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था, एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है, निराकार, नशा चढ़ गया, हम तो विश्व का मालिक बनते हैं, ये तो शिव भगवानों वाच है। फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ, इसमें बहादुरी चाहिए, बहादुरी चाहिए ना, तुम हो महावीर महावीरनी, सिवाय एक के, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं, शिव बाबा के सिवाय और किसी की भी परवाह नहीं। सिर्फ अपने किसको मानना है, किसको देखना है, शिव बाबा को देखना है, शिव बाबा की परवाह के बिना और किसी की भी परवाह नहीं। पुरुष है रचता, आत्मा है रचता, परमात्मा है रचता, रचता खुद पावन बनता है, आत्मा खुद पावन बनती है, यहां पुरुष का अर्थ लेना है आत्मा, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। अब मनुष्य है, पुरुष का अर्थ मनुष्य लेते हैं तो पुरुष यदि खुद पवित्र बने तो अपने बच्चों को भी पवित्र बनाने की कोशिश करेगा, तो रचना को भी पावन बनाता है। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र बनेगा, आत्मा पवित्र है तो शरीर ऑटोमेटिक पवित्र बनेगा। दुनिया में यदि पुरुष खुद पवित्र बनता है, खुद श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है, तो उसका पूरा प्रयास रहता है कि अपनी रचना को भी सन्मार्ग पर चलाए, बाकी रचना की मर्जी चले या ना चले, परंतु शरीर तो मैं पावन बना हूं तो शरीर तो पावन मिलेगा ही मिलेगा। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला, बड़े बड़े घरों से निकल आए, कोई की परवाह नहीं की, जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझे कैसे, समझे भी कैसे, पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो, पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर क्या करो, प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए ना, बाबा के सामने कितने हंगामे हुए, बाबा को कभी रंज नहीं हुआ, कभी रंज नहीं देखा। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, बाबा ने कहा नथिंग न्यू, 5,000 साल पहले भी निकला था, अब भी निकला है, फॉलो फादर, कैसे करके दिखाया। ऐसे हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू, ये तो कल्प पहले माफिक होता है, इसमें डरने की क्या बात है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है, बाप को ही सब कहते हैं हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है। रहम दिल है ना, तो बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी बात में डरो मत, किसी भी बात में डरो मत, डरने से उतना ऊंच पद पा सकते हो, डरने से
इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। माताओं पर ही अत्याचार होते हैं, ये भी निशानी है। द्रौपदी को नग्न करते थे, बाप 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बचाते हैं, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पतित तमो प्रधान, पुरानी सृष्टि भी बननी ही है, हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होती है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है, नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज, सदैव तो रह न सकी। मतलब एक स्थिति में तो कभी रह नहीं सकती। याद रखना है कि चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन होना प्रकृति का ना बदलने वाला नियम है, ना बदलने वाला नियम है। तुम बच्चे जानते हो, ये सृष्टि चक्र है, देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है, फिर से स्थापना हो रही है। बाप भी कहते हैं, फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूं, फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूं। यहां रावण राज्य में दुख है, राम राज्य में किसको, राम राज्य में किसको दुख हो नहीं सकता। राम राज्य कहा जाता है ये भी कोई समझते नहीं, राम राज्य किसको कहा जाता है ये पता ही नहीं है, ये भी कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग या राम राज्य की स्थापना करने आया हूं, मैं आया हूं राम राज्य की स्थापना करने। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया फिर गंवाया है, ये सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, सतयुग मना त्रेता और सतयुग। 21 पीढ़ी अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो, तुम जानते हो शिव बाबा कौन है। शिव के मंदिर भी ढेर बनाए हैं, मूर्तियां तो घर घर में जाकर रख सकते हैं ना, परंतु भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। बुद्धि से काम लिया जाए, कृष्ण की या शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं, चीज तो एक ही है, चीज तो एक ही है। फिर इतना दूर क्यों जाते हैं? क्या उनके पास जाने से कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा? अभी तुम जानते हो, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए। रावण राज्य का भी भबका देखो कितना है, ये है पिछाड़ी का भबका। रावण राज्य का भबका बाबा कहते देखो कितना है, ये है पिछाड़ी का भबका दिखावा। राम राज्य तो सतयुग में था, वहां ये विमान आदि सब थे, ये विमान आदि सब कैसे थे, फुल प्रूफ, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, हर प्रकार से प्रूफ। कोई भी चलाए उसे कहेंगे हम एक्सीडेंट प्रूफ, एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। फिर ये सब गुम हो गए, फिर इस समय ये सब निकले, अभी ये सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वो संस्कार ले जाएंगे, वहां आकर फिर विमान बनाएंगे, सतयुग में आकर फिर विमान बनाएंगे।
ये भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीजें हैं, ये साइंस फिर तुमको काम आएगी, ये साइंस फिर तुमको काम आएगी। अभी ये साइंस दुख के लिए है, अभी ये जो साइंस है ये क्या है, दुख के लिए है। और फिर ये वहां क्या हो जाएगी, सुख के लिए, वहां ये साइंस क्या हो जाएगी, सुख के लिए हो जाएगी। अभी ये साइंस दुख के लिए है और फिर वहां क्या हो जाएगी, ये सुख के लिए हो जाएगी। अभी स्थापना हो रही है बाप नई दुनिया के, बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में ये थोड़े ही कोई जानते हैं कि भगवान आया हुआ है, कोई नहीं जानता। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं। करके गोली देंगे, घर के गाली दे देंगे, गाली तो इनको भी बहुत मिली, ब्रह्मा बाबा को कितनी गालियां मिली गालियां तो इनको बहुत मिली, कृष्ण ने गाली खाई, ऐसा दिखाते हैं। अब कृष्ण तो गाली खा ना सके, अब कृष्ण तो गाली खा ना सके, गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप भी अभी है, फिर कल्प के बाद इस समय, कल्प के बाद इस समय होगा, बीच में कभी हो ना सके। जन्म बाई जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं, मतलब हर जन्म, एक जन्म लिया शक्ल अलग है, अगला जन्म लिया शक्ल और अलग है, हर जन्म में शक्ल बदल जाती है। 84 जन्म में जो भी फीचर्स मिले वो पिछले जन्म में कभी नहीं मिल सकते, हर जन्म के फीचर्स अलग। तुम जानते हो यही फीचर्स बदल दूसरे जन्म में यह लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगी। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है, ये है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नई, ये बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आती। जब तकदीर में हो तब कुछ समझे, बाकी महावीर उनको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए हिले नहीं। अब वो अवस्था हो ना सके, होनी है जरूर। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, वे अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसलिए गाया हुआ है अतींद्रिय सुख गोपियों से पूछो, बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नरक का विनाश तो होना ही है, सतयुग में तो एक ही धर्म होगा। चाहते भी हैं वननेस, एक धर्म होना चाहिए, ये भी किसको पता नहीं कि राम राज्य, रावण राज्य अलग अलग हैं। अब बाप में पूरा निश्चय है
तो श्री मत पर चलना पड़े। हर एक की नब्ज देखी जाती है, हर एक की नब्ज देखी जाती है, उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चे को कहा, अगर शादी करनी हो तो जाकर करो, करनी है तो जाओ करो, अगर शादी करनी है तो जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, जाओ करो शादी, अपना रहो मौज करो। फिर कोई ने कोई निकल पड़ा, कोई ना कोई निकल पड़ा, तो हर एक की नब्ज देखी, हर एक की नब्ज देखी देखी जाती है। पूछते हैं, बाबा ये हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करें? अरे ये भी पूछते हो, पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो, नहीं रह सकते हो तो जाओ शादी करो। अच्छा समझो, किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा नहीं है। हथियाला जब बांधते हैं तो उस समय कहते हैं, ये पति तुम्हारा गुरु है, ये पति तुम्हारा गुरु है। अच्छा तुम उनसे लिखवा लो, तुम मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूं, लिखो। उसे क्या पता, बेचारी को लिख देगी। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूं पवित्र रहना है, हिम्मत चाहिए, अपनी हिम्मत चाहिए, मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत है, मंजिल बहुत भारी है तो प्राप्ति भी बहुत है, बहुत जबरदस्त है। काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं होता। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है, तो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियां बता देते हैं, भारत में ये कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा में रहना है, पति का पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं ना, लक्ष्मी ने भी नारायण के पांव दबाए। ये आदत कहां से निकलेगी, ये आदत कहां से निकली, भक्ति मार्ग के चित्रों से। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं है, नारायण कभी कोई हाथ थकता नहीं। क्या जो लक्ष्मी पांव दबाएगी, थकावट की बात हो ना सके, नारायण सतयुग में कहां से थक जाता है जो लक्ष्मी को उसके पांव दबाने पड़े। ये तो दुख की बात हो जाती है, और वहां दुख दर्द तो होता ही नहीं है, वहां तो दुख दर्द कहां से आया। तब बाबा ने फोटो से लक्ष्मी नारायण का चित्र ही उड़ा दिया। नशा तो चढ़ता है ना, छोटेपन से वैराग्य रहता था इसलिए भक्ति बहुत करते थे। तो बाबा युक्ति तो बताते हैं, बहुत तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन हो गए,
दादे से वर्षा लेते हैं, दादे से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते ही हैं। पतित दुनिया में पतित पावन सभी सीताओं के राम बाप को कहा जाता है, बाप को कहा जाता है। ट्रुथ सचखंड स्थापन करने वाला वो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुमको देते। तुम्हारी आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही है, ज्ञान ले रही है तो ज्ञान सागर बन रही है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चे के ऊपर वारी जाते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा बाबा। ये तन मन धन सब आपका है, आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो, गाते भी हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुस सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यास द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वमम देव दे। एक की महिमा कितनी बड़ी है, सब कुछ तुम मेरे हो। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता, दुख हरता सुख करता। सत्युग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं, कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने कारण दुख देते हैं, तमो प्रधान होने कारण दुख देते हैं। वहां तो है ही सुख, ये ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो ये वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है, ये वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है, वंडरफुल बात है, भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है। फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, अच्छा अब क्या कहते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है, बाप पर पूरा वारी जाना है, बाप पर पूरा वारी जाना है, पक्का रहना एकदम। किसी भी बात में डरना नहीं, पवित्र जरूर बनना है। वरदान सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। ऐसा बनना है तो क्या करना होगा?
विश्व प्रवर्तक व विश्व सेवाधारी आत्माओं का मुख्य लक्षण है अपने ऊपर रहम और कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न व सुखी बनाना। जो अप्राप्त वस्तु है ईश्वरीय सुख शांति और ज्ञान के धन से सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाना, ये अब तुम्हारा काम। अब इनको बनाना है, भिखारी से अधिकारी बनाना है। ऐसे सेवाधारी अपना हर सेकंड, हर बोल, हर कर्म क्या करते हैं, हर सेकंड, हर सेवा, हर सेकंड बोल और कर्म संबंध, संपर्क सेवा में ही लगाते हैं। उनके देखने, चलने, खाने सब में सेवा समाई हुई रहती है। स्लोगन, मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है, परोपकारी बनना है। ओम शांति। अच्छा, आज है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जगदम्बा के अनमोल महावाक्य हैं, परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। जब हम किसी का भला करते हैं तो हमारा व्यवहार सिद्ध होता है कि कैसा है। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमारे व्यवहार की प्रत्यक्षता कैसे होगी। भगवान वाच है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। परम अर्थ जो सर्वोच्च अर्थ है उसको जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। अर्थात परमार्थ का, परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। देखो देवताओं के आगे प्रकृति तो चरणों की दासी रहती है, जैसे कहते हैं देवता प्रकृति वैसे करती है। ये पांच तत्व सुख स्वरूप बन मन इच्छित फल, मन इच्छित सुख, मन इच्छित फल हो गया, सेवा करते हैं। फिर इस समय के, इस समय देखो मन इच्छित सुख ना मिलने के कारण मनुष्यों को दुख अशांति प्राप्त होती रहती है। अब सतयुग में तो ये प्रकृति बाअदब रहती है। देखो देवता बाअदब नियम अनुसार मर्यादा में रहती है। देखो देवताओं के जड़ चित्रों पर भी इतने हीरे जवाहरात लगाते हैं, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने हीरे लगाते होंगे। तो जब चैतन्य में होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। इस समय मनुष्य भूख मरते हैं, जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, तो ये क्यों फर्क पड़ा। जबकि
जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तभी तो उनके यादगार बने हुए हैं। उनका पूजन भी कितना होता है। वे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान अवस्था में थे, परंतु अब वो निर्विकारी प्रवृत्ति के बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए हैं, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार के तरफ लग गए हैं। इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। अब अपने को स्वयं परमात्मा आए विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति दिखाते सिखाते हैं। विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपना अपनी जीवन सदा काल के लिए सुखी बनती है। इसलिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में व्यवहार। परमार्थ परमात्म डायरेक्शन पर होने वाले कार्य। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है, ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। आज 6 फरवरी 2021, आज की साकार मुरली का सार धारणा के लिए मुख्य सार वरदान और स्लोगन। मीठे बच्चे तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार, एक सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है, बाप पर पूरा वारी जाना है। नंबर 2, किसी भी बात में डरना नहीं, पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान, सदा रहम दिल कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तक वा विश्व सेवाधारी आत्माओं को का मुख्य लक्षण है अपने रहम और कल्याण की दृष्टि द्वारा, रहम और कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न व सुखी बनाना। जो अप्राप्त वस्तु है ईश्वरीय सुख शक्ति शांति और पवित्रता, ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से, सर्व आत्माओं को भिखारी की तरह, शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाना। ऐसे विनाशी, ऐसे सेवाधारी अपने हर सेकंड, हर बोल, हर कर्म, संबंध संपर्क में सेवा से ही कर रहे हैं। उनके देखने, उनके चलने, उनके खाने, हर बात में सेवा समाई हुई है, हर बात में सेवा समाई हुई है। आज का स्लोगन, मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है, परोपकारी बनना है। ओम शांति।